ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानतिमिरान्धस्य ॐनाञ्जनशलाकय चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण राम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कैन वी डू दिस आफ्टर द क्लास हरे कृष्णा आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है साथ ही साथ हमारा कृतज्ञता कि आपने हमें सेवा का मौका दिया हम आपके तो हम बात किए थे कि हमारा आज का विषय क्या रहेगा श्री तुलसी महारानी की महिमा कि विशेष रूप से ये भीष्म पंचक का काल है और समय है और शुभ समय है कार्तिक का बहुत शुभ समय है और कार्तिक ही तुलसी महारानी के प्राकट्य का समय है और इसी समय हम तुलसी शालिग्राम विवाह का उत्सव भी मनाते हैं काफी स्थानों पे तो इसीलिए हमने ये विषय चुना तो आइए चर्चा करते हैं श्री तुलसी महारानी पे बहुत ही अद्भुत नाम है तुलसी तुलसी यानी जिनके तुलना में और कोई भक्त नहीं है ऐसी महान शक्ति है तुलसी महारानी की तो देखिए नाम ही इतना अद्भुत है कहीं पुराणों में ऐसा बताया है पद्म पुराण में साक्षात बताया है कि तुलसी इतनी ऐसी महिमा है तुलसी की ऐसी भक्ति है तुलसी की कि ब्रह्मा जी भी अगर अपने चतुर्मुख से तुलसी की महिमा करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे पूर्ण रूप से इतनी अनगिनत महिमाएं हैं उसी प्रकार से श्री गरुड़ पुराण में बताया गया है कृष्ण द्वैपायन व्यास साक्षात गरुड़ हैं और जी को बोलते हैं चार तत्वों के बारे में जो हमेशा अति पवित्र रहते हैं भगवान की सेवा में बोलते हैं ब्राह्मण मंत्र कुशग्रास और अग्नि और तुलसी ये पांच तत्वों के बारे में बताया है और साथ ही साथ एक स्थान में बताया गया है कि ब्राह्मण माता तुलसी और एकादशी व्रत ब्राह्मण माता तुलसी और एकादशी व्रत एक ऐसे नाव के समान है जिन नाव का आश्रय लेके कोई भी बद जीव बहुत आसानी से भौतिक जगत को पार कर सकता है जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर सकता है तो कहीं बहुत सारी कथाएं होती बताई गई हैं तुलसी महारानी की महिमा के लिए क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में विशेष रूप से आ, गौड़ी वैष्णव परंपरा में आते हैं तो हमारा सबसे पहला जो कनेक्शन है तुलसी महारानी से वो है किस प्रकार से श्री अद्वैत आचार्य साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को पुकारते हुए तुलसी महारानी का स्मरण करते हैं और तुलसी महारानी का का आश्रय लेके ही भगवान का आवाहन करते हैं उनको आमंत्रण करते हैं इनविटेशन देते हैं जैसे कि चैतन्य चरितमृत में हम पढ़ते हैं आदि लीला में चैतन्य ये इच्छा रखते हुए कि कैसे तो भगवान श्री कृष्ण का आगमन होना चाहिए पृथ्वी पे इस बात का चर्चा करते हुए बहुत सुंदर श्लोक दिए हैं चैतन्य चरितमृत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है लिखा है आपनी श्री कृष्ण यदि करे न अवतार अपने आचारी भक्ति करे प्रचार अद्वैत आचार्य चिंतन करते हैं कि अगर साक्षात भगवान श्री कृष्ण अवतार रूप में प्रकट हो और वो स्वयं अपने उदाहरण से कलयुग के प्राणियों को भक्ति करना सिखाए अपने उदाहरण से भगवान को भक्त बनना पड़ेगा तो वेरी इंपॉर्टेंट अगर एक लीडर कुछ आदेश दे रहा है तो भगवान बोल रहे हैं कि यहां पे केवल बोलने से कुछ नहीं होने वाला आपको फील्ड में उतर के करके दिखाना पड़ेगा तभी कुछ होगा फिर वहां पे चर्चा आती है नाम विनु कलिकाले धर्म नियार कलिकाले कई हबे कृष्ण अवतार चिंतन करने लगे कि कलयुग में सबसे उत्तम धर्म जो युग धर्म है वो है नाम नाम विनु कली काले नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे शुद्ध भावे करीबे कृष्ण आराधन निरंतर सदनीय करीब निवेदन फिर सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पे आएंगे कैसे उनको पृथ्वी पे आमंत्रण देने के लिए बड़े ही शुद्ध भाव से बड़े ही शुद्धता से भगवान को शुद्ध मन से पुकारना पड़ेगा तभी भगवान आएंगे देखिए हम कोई भी लीला पढ़ते हैं ब्रह्म विमोहन लीला इंद्र लीला इंद्र का गोवर्धन लीला तो जब भी वो भगवान के सामने आश्रय लेते हैं तो पहले वो सुरभि माता का आश्रय लेते हैं उनके द्वारा भगवान को अप्रोच करते हैं डायरेक्ट अप्रोच नहीं है क्योंकि तो ये भी एक कलयुग का दोष है हर कोई डायरेक्ट कनेक्शन लगाना चाहता है लेकिन वैष्णव पद्धति है किसी दास के दास के साथ में आप कनेक्शन जोड़िए वो आपको भगवान से कनेक्ट करेंगे तो ये जो हम देख रहे हैं सभी लीला में एक बात कॉमन है तो इसी बात पे चिंतन करते हुए अद्वैताचार्य सोचते हैं कौन आराधना विचारिते एक श्लोक तार मना विचार कर रहे हैं कौन आराधना कौन सी आराधना है जिनके द्वारा कृष्ण वश करी बेना किस प्रकार से मैं कृष्ण का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करूं अद्वैत आचार्य चिंतन कर रहे हैं और पूरे सारे के सारे शास्त्रों के श्लोकों का स्कैन कर डाला सारे के सारे शास्त्र के जो श्लोक है उनको देख डाला तभी उनकी नजर एक श्लोक पे आके केंद्रित हो गई वो श्लोक कौन सा है देखिए सब श्लोक ढूंढ मारे फिर उनको ध्यान में आया हाँ ये श्लोक इस समय इस काल के लिए मैं किसका आश्रय लू ताकि श्री कृष्ण का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाए और उनके मन में श्लोक आया तुलसी दल मात्रे न जल से तुलसी स्वत्मा मात्रे भक्त बोले जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की आराधना क्वेश्चन था कौन सी आराधना करूं तो जो आराधना करता है कुछ थोड़ा सा जल और तुलसी पत्तों से तुलसी लीव्स कितना सिंपल है ना कृष्ण को प्रसन्न करना अगर आज मार्केट में जाएंगे तो जो फूल खरीदते हैं बड़े महंगे मिलते हैं अगर कॉस्ट के एंगल से भी देखें तो फूल अलग अलग प्रकार के बड़े महंगे जितने खुशबूदार फूल बड़े बड़े महंगे मिलते हैं लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं तुलसी भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो फूलों का स्तर तुलसी से ज्यादा रहेगा लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कुछ तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा जल के द्वारा प्रसन्न हो जाते हैं और इस आराधना के द्वारा अद्वैत आचार्य ने भगवान को आकर्षित किया इसी आराधना के माध्यम से भक्ति भाव से श्रद्धा से तुलसी अर्पण करके भगवान को विक्रण तय भगवान को खरीद लिया भगवान पूर्ण रूप से उनको समर्पित हो गए और इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब उनका आगमन हुआ तो पूरा अवधि जो उन्होंने पृथ्वी पे व्यतीत करी इयर्स एट बार कहीं बात की घोषणा करी बोले मैं तो आया अद्वैत की भक्ति के प्रभाव से और अद्वैत आचार्य की भक्ति का आश्रय कहाँ था तुलसी महारानी से ऐसी महिमा है श्री तुलसी महारानी की कहीं कथाएं आती हैं तुलसी महारानी के प्राकट्य के लिए जैसे एक कथा है समुद्र मंथन के समय जो हम कथा सुनते हैं सब अभी आ, हम देखते हैं कि जब ही समुद्र मंथन लीला हुई और इंद्र इत्यादि देवताओं ने दुर्वास मनी के मुनि के प्रति अपराध किया और उस कारण से आगे वो अपनी शक्ति खो बैठे और अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए इंद्र और जो देवताओं और असुरों के बीच में जो संगठन हो गया अभी हम समुद्र का मंथन करेंगे और उसमें से कई वस्तुएं प्राप्त होंगी और उसमें से फिर एक वस्तु जब अंत में अमृत प्राप्त होंगे तो आए लक्ष्मी जी आए, ऐसे कहीं कहीं तत्व तो प्रकट हुए बोलते और सुर भी गौमाता प्रकट हुई वहां से तो कुछ वस्तुएं असुरों ने प्राप्त की कुछ देवताओं ने प्राप्त करी यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना सब प्राप्त होने के बाद जब फाइनली अमृत की प्राप्ति इंद्र को और देवताओं को हुई तो यह कथा में बताया गया है कि वो तुलसी का प्राकट्य कैसे हुआ भगवान विष्णु भी उस अमृत को देख के इतने प्रसन्न हो गए उनकी आंखों से नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे और जो अश्रु प्रवाह होने लगे बोलते हैं उस अश्रुओ के प्रभाव से तुलसी का प्राकट्य हुआ जैसे ही वो अश्रु अमृत को स्पर्श किए उस स्पर्श से तुलसी का प्राकट्य हुआ और सभी देवताओं ने तुलसी महारानी को भगवान की सेवा में अर्पण किया तो उस समय जब भगवान विष्णु ने तुलसी को स्वीकार किया तो बोलते हैं भगवान विष्णु ने अति सम्मान के साथ तुलसी को स्वीकार किया देवता अति सम्मान के साथ तुलसी श्री कृष्ण को श्री विष्णु को अर्पण कर रहे हैं और तुलसी जो है अति स... श्री विष्णु जो है वो अति सम्मान के साथ तुलसी को स्वीकार कर रहे हैं तो इस रेसिप्रोकेशन से ही हम देख रहे हैं भगवान विष्णु का तुलसी के प्रति कितना सम्मान है कितना आकर्षण है इस संदर्भ में कथा आती है इससे पहले मैं और कथाएं सुनाऊं आपने कुछ लोगों ने काफी कथाएं सुनी होंगी कुछ लोगों ने नहीं सुनी होंगी लेकिन जो तुलसी महारानी की जो कथा है उसमें एक ये जो कथा बता रहा हूं कि तुलसी महारानी की कथा सुनने का कितना लाभ है तो उससे और प्रेरणा मिलती है हाँ तुलसी के बारे में सुनना चाहिए जैसे बताते हैं दो बड़े ही पुण्य आत्मा ब्राह्मण हुए सुमेध और हरिमेध और तीर्थ यात्रा कर रहे थे और तीर्थ यात्रा करते हुए ये सुमेधा और हरिमेधा एक स्थान पे आए तीर्थ पवित्र स्थान पे और वहां पे आके उन्होंने सुमेध ब्राह्मण थे उन्होंने विशेष रूप से तुलसी माता को प्रणाम किया तो तुलसी की प्रदक्षिणा करी तो हरिमेध ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा बोले एक तो हम इस तीर्थ स्थान पे आए हैं और ऊपर से आप अपने आप में बहुत बड़े तीर्थ हैं है नहीं अगर हम किसी को गुरु मानते हैं बहुत सीनियर मानते हैं और वो किसी के सामने झुके तो आश्चर्य आता है फिर ये कौन है इनकी क्या महिमा है विशेष रूप से वो जिनके सामने झुक रहे हैं अगर वो दिखने में कोई मामूली तत्व लगे तो व्यक्ति को और चिंतन होगा ये 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 कैसे ये कैसा संभव है हाउ इज दिस पॉसिबल तो इस प्रकार से तुलसी को प्रणाम किया हरिमेध के डाउट आया सुमेध ने हरिमेध को बोला आइए आपको मैं जरा एक कथा सुनाता हूं तो उस समय जब दोनों का वार्तालाप चल रहा था और सुमेध ने मेध को कथा बतानी शुरू करी एक वट वृक्ष के नीचे बैठ के एक बैनियन ट्री के नीचे बैठ के उस समय उन्होंने ये कथा सुनाई कि कैसे तुलसी का प्राकट्य अमृत से हुआ भगवान विष्णु के नेत्रों के स्पर्श नेत्रों के जो अश्रु अश्रु प्रवाह हो रहे हैं उनके स्पर्श से अमृत से तुलसी का प्रवाह हुआ तो जब ये चर्चा चल रही थी और ये कथा पूर्ण मेध और हरी मेध के पीछे में ये जो आदान प्रदान चल रहा है कथा का श्रवण करते हुए उसी समय एक बहुत ही अद्भुत विमान उस स्थान पे प्रकट हो गया उनकी तरफ आ रहा था और तभी उस वृक्ष में से एक व्यक्ति प्रकट हो गए जिनका नाम था आस्तिक और किसी शाप वश कुछ शाप मिल गया जिसके कारण वो उस वृक्ष में ब्रह्म राक्षस के रूप में निवास कर रहे थे तो उन आस्तिक ने यह बताया कि कैसे मुझे लोमस ऋषि का शाप मिला है क्योंकि मैंने कुछ अप्सराओं के साथ उनके सामने ऐसा भ्रमण कर रहा था दुर्व्यवहार कर रहा था जैसे हम नल कुवर और मनी गिलीव के बारे में सुनते हैं दामोदर लीला में तो उस शापवश मुझे इस ब्रह्म राक्षस का रूप मिला लेकिन मुझे कहा गया था कि जब आप किसी पवित्र ब्राह्मण के मुख से तुलसी की कथा सुनेंगे तुलसी की महिमा सुनेंगे और भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के नाम को का कीर्तन सुनेंगे उस समय आपका कल्याण होगा आपको मोक्ष प्राप्त होगा और क्योंकि आप दो ब्राह्मण तुलसी की महिमा पे चर्चा कर रहे थे उस शक्ति के प्रभाव से मेरी मुक्ति हुई कितना इंपॉर्टेंट है देखिए एक जगह पे ऐसा भी श्लोक आता है पुराणों में कि केवल तुलसी की कथा करके सेवा करके ध्यान करके व्यक्ति हर प्रकार के रोग से भय से हर प्रकार के शोक से हर प्रकार के ताप से मुक्त हो सकता है देखिए हमें और कुछ नहीं चाहिए फेथ एंड डिवोशन बस श्रद्धा और भक्ति और कुछ नहीं अगर वो आ जाए तो भक्ति के तत्व इतने सरल हैं, इतने सरल हैं। अगर आप गीता महात्म्य पढ़ेंगे भागवत महात्म्य पढ़ेंगे तुलसी महात्म्य पढ़ रहे हैं अभी हम माता की महिमा पढ़ेंगे इस सब तत्व जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने चौसठ तत्व दिए हैं भक्ति के अंग दिए हैं एक एक अंग की इतनी महिमा है मुझे पक्की बात मालूम है कि आप में से जितने लोग सुन रहे हैं मैक्सिमम लोग भक्ति में क्यों आकर्षण होते हैं भौतिक जगत से पीड़ित है और इसीलिए ऐसे श्लोक बताए गए हैं भैया आपको पीड़ित पीड़ा से मुक्त होना है तो ये सरल श्लोक है ये सरल सरल माध्यम है श्रद्धा से इनका आश्रय लीजिए आपके सभी और इसलिए पहला चीज बोला जाता है आप ये अंक करिए सभी पापों से मुक्ति मिलेगी कितनी जगह ये लिखा जाता है ऑल सिंस विल बी डिस्ट्रॉय सभी पापों से मुक्त अभी आजकल किसी को धर्म पे श्रद्धा नहीं है उनको ये सुनाएंगे तो बोलेंगे हम तो कोई पाप करते नहीं हम तो अति शुद्ध आत्मा है लोगों को श्रद्धा ही नहीं है ये पाप पुण्य के ज्ञान पे लेकिन हम समझते नहीं कि हमारे जीवन में जितनी पीड़ाएं हैं किसी ना किसी पापवश होंगी इसीलिए महान आत्माएं महान संत महान भक्त लोग जब उनके जीवन में कोई भी पीड़ा आती है तो वो पीड़ा आते जब आती है तो सबसे पहले वो ध्यान करते हैं ये मेरे ही कुछ अतीत में किए हुए कर्मों का फल आ रहा है मुझे किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है ऐसे लग रहा है कि ये फलाना व्यक्ति मेरे दुखों का कारण है लेकिन वो तो केवल एक निमित्त मात्र है कारण तो मेरे स्वयं के किए हुए कर्म हैं, वो तो केवल एक निमित्त मात्र है तो ये जो प्रवृत्ति बार बार आती है ये कारण है ये कारण है ये कारण है, है ये ही सबसे बड़ा पाप है और इसीलिए शास्त्र में जब भक्ति के तत्वों का वर्णन किया जाता है तो भौतिक जगत में फंसे हुए बद जीव को आकर्षण करने के लिए सबसे पहला जो फल दिया जाता है, बोला जाता है ये है कि आपकी सभी क्लेशों से पापों से मुक्ति होगी तो जीव आकर्षित हो जाता है यही तो चाहिए था मेरे को पहले तो ये संकट से समस्याओं से मुक्ति करो प्रेम प्रेम बाद में भक्ति प्रेम बाद में बात करेंगे तो हमारा आकर्षण उस तरफ होता है इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं तत्तेनुकंपा सुमान भुंजान एवात्मकृतम विपाकम ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान की कृपा का उत्तराधिकारी भगवान की कृपा का पात्र बनने योग्य कौन है जो जीवन में आने वाली समस्याओं को बड़ी कृतज्ञता से हाथ जोड़ के स्वीकार करता है वो जानता है कि जो भी आ रहा है भगवान की बड़ी कृपा है या मेरे ही किए कर्मों का फल है जैसे एक कुछ लोग भक्ति जप इत्यादि करते हैं तो प्रश्न उठाते हैं अरे प्रभु जी आप तो हमें जप गिनत गिन के करने को बोलते हैं हमारा तो मन नहीं लगता हम पूरा दिन जब करेंगे या मन नहीं लगता या हम हर समय बस बोलते रहेंगे भगवान का नाम ये संख्या पूर्वक करने की क्या जरूरत है लेकिन तत्व ये है कि अगर हमारी जीव्वा पे नाम लेना कठिन हो रहा है तो उसका एकमात्र कारण है हमारे अतीत किए हुए कहीं भौतिक कर्म और कोई कारण नहीं हो सकता हम कारण बहुत देते हैं अरे हम बीमार हैं हम ये हैं हमें फलानी समस्या है आप क्या समझेंगे लेकिन दैक्ट हरिनाम इज नॉट मैनिफेस्टिंग केवल ये सत्य है कि हरिनाम हमारी जिवा पे प्रकट नहीं हो रहे स्फूर्ति से हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो रहे स्फूर्ति से समझ जाना चाहिए कहीं अतीत में किए हुए कर्मों का फल है और इसलिए हमें ऐसे तत्वों का आश्रय लेना लेना चाहिए इसीलिए जब हम सुबह तुलसी आरती करते हैं तो यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्या चानी चा, तानी, तानी प्रणक्षयंती जो जो पाप किए हैं ब्रह्म हत्या तक भी अगर हो गया है गलती से तुलसी प्रदक्षिणा से मुक्ति मिलेगी एक और कथा आती है श्रीमती राधा रानी की देखिए श्रीमती राधा रानी स्वयं तुलसी महिमा का आश्रय लेती है कथा इस प्रकार से आती है श्रीमती राधा रानी एक बार विश्वभानु महाराज के महल में तो ललिता और विशाखा सखी जो उनकी सखियां हैं वो उनसे मिलने जाती हैं तो श्रीमती राधा रानी बहुत तत्पर है बहुत आतुर है श्री कृष्ण से मिलने के लिए यहां तक कि एक बार तो श्रीमती राधा रानी बोलती हैं कि देखिए श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की सर्वोत्तम भक्त उनकी लादनी शक्ति हैं तो श्रीमती राधा रानी कहने लगी कि मेरा सतित्व नष्ट हो गया है मेरी पवित्रता नष्ट हो गई तो ये पूछे ये कैसे ललिता जी देवी समझ नहीं आ रही है क्या बोल रही है श्रीमती राधा रानी ने बोला कि देखो मैं एक ही समय कहीं पुरुषों के प्रति आकर्षित हो गई हूं बोले मैंने एक पुरुष का नाम सुना जिनका नाम है कृष्णा वो कृष्ण नाम में ही इतना आकर्षण है मैं बार बार कृष्ण नाम लेते जा रही हूं रूप गोस्वामी बोलते हैं तुंडे तुंडा बलि लब्धे कर्ण क्रोध कदमी घतरबुदेभ स्पृहहाम चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वांद्रियण कृति ओ जाने जनिता की अद्भिमत कृष्णे कृष्णा ये जो दो अक्षर का नाम है इसमें ऐसा क्या अद्भुत प्रभाव है ऐसा प्रभाव है कि जब ये मेरे चेतना में प्रवेश करता है ये नाम सारी इंद्रियों पूरी तरह से आकर्षित हो जाती हैं स्तब्ध हो जाती हैं कानों में प्रवेश करता है ये नाम तो इच्छा होती है करोड़ों नाम हो जाए पे जब ये नाम लेता हूं तो मन करता है कि करोड़ों जिवाए हो जाए तो श्रीमती राधा रानी बोल रही है कृष्ण नाम में इतना आकर्षण है फिर श्रीमती राधा रानी बोली जो उनकी अष्ट सखियां हैं उनमें से एक सखी है चित्रा सखी और चित्रा सखी ने एक बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण का चित्र बनाया लेकिन श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं कि चित्रा सखी ने एक पुरुष का चित्र बनाया है मुझे उसके प्रति भी बहुत आकर्षण हो गया है मुझे कृष्ण नाम के प्रति आकर्षण हुआ है एक पुरुष का चित्र देखा उसके प्रति आकर्षण हुआ है और फिर बोलते हैं एक बार मैं वन में भ्रमण कर रही थी तो मुझे एक वंशी की ध्वनि सुनाई दी एक ग्वालों के परिवार में से एक युवा वंशी वादन कर रहे थे मुझे उनकी वंशी की प्रति आकर्षण हो गया तो बुल, वो बोल रही है कि मेरा हृदय तीन अलग अलग पुरुषों के प्रति खींचा चला जा रहा है तो ललिता सखी बोलती हैं अरे वो तीन अलग पुरुष नहीं है वो तीनों एक ही पुरुष हैं वो एक उनका रूप है ये उनका नाम है और ये उनकी ही वंशी है तो श्रीमती राधा रानी के मन में ये इच्छा हुई कि मैं तो इतना प्रेम इतना सेवा करना चाहती हूँ कृष्ण का क्या श्री कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे तो ललिता देवी श्रीमती राधा रानी के पास गई ललिता देवी श्री कृष्ण भगवान के पास गई और श्री कृष्ण भगवान से श्रीमती राधा रानी की इच्छा के बारे में पूछा कितना अद्भुत चीज है नहीं हम लोग इतना भक्ति करते हैं और हमारे मन में हमेशा प्रश्न रहता है क्या हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न है क्या भगवान हमसे प्रसन्न है कितना भक्तों की तो सबसे बड़ी चिंता यही रहती है क्या भगवान अभी जो हम इतना कर रहे हैं कुछ भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे तो ललिता देवी ने तो श्री कृष्ण साक्षात पूछ लिया श्री कृष्ण क्या बोले श्री कृष्ण बोले जैसे दूध सफेद होता है अभी सफेद रंग को आप दूध से अलग नहीं कर सकते फिर वो दूध नहीं रहा पानी हो गया फिर तो बोले जैसे आप सफेद रंग को दूध से अलग नहीं कर सकते वैसे श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी से अलग नहीं कर सकते ऐसा अद्भुत प्रेम है भक्ति का श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण में ऐसी घोषणा श्री कृष्ण ने कर दी लेकिन फिर भी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के विरह में तो थी और जब ललिता सखी ने श्रीमती राधा रानी को जाके ये प्रस्तुत किया कि श्री कृष्ण ने क्या बोला है श्रीमती राधा रानी बहुत प्रफुल्लित तो हो गई लेकिन साथ ही साथ बहुत ही रेस्टलेस हो गई आतुर हो गई कि अभी श्री कृष्ण से मिलना ही है तो उस समय वो ललिता सखी से पूछती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हम श्री कृष्ण से जल्द से जल्द मिल सके तब तो वो उस समय ये प्रश्न पूछती हैं और जब ऐसा प्रश्न पूछती है कि ऐसा क्या किया जाए तो उस समय बहुत सुंदरता से बताया गया है कि श्री ललिता सखी कहीं पुराणों में से बहुत सुंदरता से एक एक श्लोक निकाल के बताती हैं विशेष रूप से गर्ग संहिता में से ललिता सखी श्रीमती राधा रानी को बोलती है कि अगर श्री कृष्ण का सानिध्य जल्दी से प्राप्त करना हो तो सबसे उत्तम मार्ग है तुलसी की सेवा करना श्रीमती राधा एक्चुअली तुलसी महारानी श्रीमती रानी का एक विस्तारित अंश है लेकिन एक एक गोपी है एक सखी है ब्रज से गोलोक, धाम से धाम आई हुई लेकिन जब श्रीमती राधा रानी इस पृथ्वी पे पर लीला कर रही हैं तो उसमें श्रीमती ललिता सखी उनको ये साधना का मार्ग देती है कृष्ण की आराधना अगर आप तुलसी के पत्तों से करेंगी तुलसी के माध्यम से करेंगी तो बहुत ही जल्द आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी इसलिए हम देखते हैं आपके यहाँ भी कुछ भक्त होंगे ऐसा कुछ भक्तों को विशेष तुलसी से बड़ा प्रेम होता है हमारे यहाँ कुछ भक्त है उनको तो हमारे मंदिर में उनको तुलसीदास ही बोलते हैं तुलसी है, लेकिन तुलसीदास बोलते हैं तुलसी सेवा में ही तत्पर रहते उनको पता नहीं एक विशेष रोमांच होता है तुलसी को देख के उनके 20, 25, 30 साल निकल गए तुलसी सेवा में इसलिए ललिता तो जब श्रीमती राधा रानी एक्चुअली श्रीमती राधा रानी ने अपनी सखियों को बोला आप शास्त्रों में पूरा देख के पूरा स्कैन कीजिए और देखिए कौन से सबसे उत्तम आराधना के श्लोक हैं तो जैसे अद्वैत आचार्य ने शास्त्र निरूपण किया और तुलसी सेवा के बारे में बताया ऐसे ही इन्होंने भी पूरा शास्त्र निरूपण करके देख के पूरा समझ के बता दिया गर्ग संहिता में से और एक श्लोक में बोलते हैं नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वंती दिने दिने नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वंती दिने दिने युग कोटि सहस्राणी तेयांती सुकृतिम शुभे बोले हे परम मंगलमयी श्रीमती राधा रानी जो तुलसी की सेवा नवधा भक्ति के द्वारा करते हैं इसमें कई मार्ग बताए गए हैं स्पर्श करना तुलसी के पत्तों को उन पे ध्यान लगाना उनका नाम जप करना तुलसी स्तोत्र है बहुत सारे तुलसी के भजन है पर हमारा जीवन सिंपल किया है सुबह शाम तुलसी आरती कीजिए तुलसी को जल अर्पण करना बोले ये करने से ही केवल आप अपनी आध्यात्मिक सुकृति को अनलिमिटेड स्तर तक ले जाते हैं सुकृति देखिए दो प्रकार की होती है भौतिक सुकृति और आध्यात्मिक सुकृति एक भौतिक सुकृति होती है इस जगत में थोड़ा किसी को दान दिया भोजन दिया किसी इस जगत में किसी की हेल्प करी तो वो एक भौतिक सुकृति है लेकिन आध्यात्मिक सुकृति वो है जिससे विशेष कृष्ण के प्रति आकर्षण कृष्ण की सेवा में रुचि बढ़ती है जैसे एक भक्त कथा बता रहे थे प्रभुपाद जी जब हवाई आइलैंड्स में गए तो वो तो भारत में नहीं है लेकिन काफी जगह पे उन्होंने तुलसी देखी कि लोग तुलसी सेवा कर रहे हैं कुछ लोग को घर में पौधे उगाने का इच्छा होता है पेड़ उगाने का इच्छा होता है तो तुलसी सेवा कर रहे हैं तो प्रभुपा जी बड़े प्रसन्न हो गए प्रभुपा जी बोल रहे ये स्थान बड़ा अच्छा है प्रचार के तो पहले से तुलसी सेवा कर रहे हैं इनको प्रचार करोगे बड़ी जल्दी भक्त बन जाएंगे तो उनकी सेवा करके ऐसा इन्होंने सुकृति कमा लिया है उसी प्रकार से हम देखते हैं एक और भक्त हुए जो परिवार से थे किसी दूसरे देश में उनका जन्म हुआ लेकिन उनकी माता को अनेक उनकी माता को भी बहुत सारे पौधों का पेड़ों का सेवा करना उनको उगाना घर में नर्सरी एक प्रकार की बना रखी थी उन्होंने तो उनको भी बहुत आकर्षण था लेकिन उनका विशेष आकर्षण किसी कारण से किसी अद्भुत भगवान के दिव्य लीला है उनके किसी कारण से उनका आकर्षण तुलसी के पौधों की तरफ ही होने लगा जब इतना आकर्षण उनका तुलसी के प्रति होने लगा तो बोलते हैं वो इतने जीवन भर उनका बचपन पूरा तुलसी सेवा करते ही गया रशियन व्यक्ति हैं किसी दूसरे देश में रहते हैं भारत में नहीं रहते उधर का वातावरण भी इतना उचित नहीं है कि इतना ठंडा है कि तुलसी के लिए इतना उत्तम नहीं है तुलसी के ग्रोथ के लिए लेकिन बोलते हैं उन्होंने इतना प्रेम से ऐसा अनुकूल वातावरण बना के तुलसी सेवा करी जब बड़े हो गए तो प्रभुपाद के भक्त तो इसकोन के भक्त तो हमेशा पुस्तक वितरण जगह जगह करते हैं कोई कोना छोड़ा नहीं पृथ्वी का जहां पुस्तक वितरण ना किया हो उनको प्रभुपा जी की पुस्तक मिली और पुस्तक पढ़ते ही बहुत जल्दी कृष्ण भक्त बन गए उनको समझा कि अरे जिस तुलसी महिमा के बारे में प्रभुपा जी बता रहे हैं हम तो बचपन से वो सेवा करते आ रहे हैं सोचिए कितनी महान महिमा है तुलसी सेवा की तो ऐसा आकर्षण हो गया उनको कृष्ण भक्ति के प्रति और इतना उनके घर में जितनी तुलसी फलित हो रही थी उतना तो उनके मंदिर में भी जिस मंदिर में वो गए प्रचार जहाँ पे कनेक्शन हुआ वहां पे भी उनका इतना तुलसी सेवा नहीं दिख रही थी जिनकी उतनी घर पे दिख रही थी तो ऐसे कहीं तो इसलिए यहां बता रहे हैं श्रीमती राधा रानी के साथ चर्चा हो रही है नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वंती दिने दिने देखिए हम यहाँ ये नहीं बोल रहे कि हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ के अभी तुलसी सेवा शुरू करिए युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र है लेकिन बता रहे हैं कि उनके साथ साथ ये भी महिमा है रूप गोस्वामी ने बताया है भक्ति के पांच तत्व सबसे शक्तिशाली हैं भागवत सेवा नाम सेवा अर्च विग्रह सेवा वैष्णव सेवा और तीर्थ सेवा तो ये पांच प्रकार की सेवा बहुत शक्तिशाली है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे अंग और भी दिए हैं तो वो एक एक अंग की महिमा करने जाए तो उनके प्रति भी आकर्षण होता है जैसे गौ सेवा एक बड़ा अंग है तो गौ सेवा पे अगर हम चर्चा करने जाए तो दो तीन घंटे चले जाएंगे इतनी सारी महिमा कथाएं हैं उनके ऊपर हमारे के अलग अलग भक्तों ने इतनी किताबें लिखी है गौ माता की सेवा के ऊपर ऐसे ही तुलसी के ऊपर भी शास्त्र लिखे गए हैं तो अभी हम उसका चिंतन कर रहे हैं और फिर आगे बोलते हैं य फलम सर्व पत्रेशु सर्व पुष्पेशु राधिके य फलम सर्व पत्रेशु सर्व पुष्पेशु सर्व पत्रेशु सर्व पुष्पेशु अगर आपने भगवान के चरणों में थोड़े से तुलसी पत्र या तुलसी के फूल तुलसी मंजरिया अर्पण कर दी यलम सर्व पत्रेशु सर्व मतलब सभी पत्तों का और सर्व पुष्पेशु सभी फूलों का अर्पण करने का फल मिल गया तुलसी दले न चहके न सर्वदा प्राप्य हे श्री राधिका अगर आपको कृष्ण को प्राप्त करना है तो इस बात पे स्मरण कीजिए केवल थोड़े से तुलसी मंजरी तुलसी पत्ते अर्पण करने से सभी फल मिल गया तो देखिए कितना सुंदर महिमा है जो बताया है यहाँ पे और इसी प्रकार से इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि कैसे कुछ तुलसी पत्र अर्पण करके इतना बड़ा फल मिल गया इसी चर्चा के बारे में हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति है तुलसी के प्रति एक बहुत बड़े भक्त हुए एक्चुअली जब जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे तो उस समय उनसे रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पे उनकी सेवा में संलग्न थे और जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो उन दिनों चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वृंदावन से एक भक्त आए और जैसे हम लोग वृंदावन से आते हैं तो भक्तों के लिए प्रसाद लेके आते हैं व्रज की रज लेके आते हैं ऐसे कई प्रकार के उपहार लेके आते हैं बहुत बड़े सन्यासी थे जो महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं तो उनके लिए छोटी सी गिरिराज शिला और एक गुंज माला लेके गए और बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु ने उसको माला को अपने कंठ में धारण किया अपनी छाती से लगा के रखा और जो वो गिरिराज की छोटी सी शिला थी कभी चैतन्य महाप्रभु उनको अपने नेत्रों से स्पर्श करते कभी अपने हृदय पे स्पर्श करते कभी उनके सुगंध का अनुभव करते और कभी उन्हीं शिला को अपने शीश पे स्पर्श कर दे और इस प्रकार से हमेशा अपने साथ रखते हो कि श्री गिरिराज मैंने गिरिराज मतलब साक्षात श्री कृष्ण तो जब इतना प्रेम से गिरिराज की सेवा कर रहे थे और जब भी गिरिराज के स्पर्श में रहते तो चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से लगातार अश्रु प्रवाह होते रहते मानो एक नदी बह रही हो लगातार तीन साल तक वो चैतन्य महाप्रभु के अश्रुओं के से उस शिला का अभिषेक होता रहा देखिए कार्तिक में बहुत सारे भक्तों का तिरुभाव दिवस है आविर्भाव है इत्यादि नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य तो वर्णन किया है जब चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते तो ये सब भक्त महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के और कहीं महाप्रभु इन सबके अश्रुओं से उनका मानो स्नान ही हो जाता तो क्या भागे रहा होगा सोचिए साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों का आश... अश्रुओं का स्पर्श तो ये गिरिराज शिला का भी अभिषेक प्रतिदिन उन, उन अश्रुओं से हुआ तीन साल तक और उसके बाद जब रघुनाथ दास गोस्वामी जो उनके बहुत ही निकटीय पार्षद हुए जो जगन्नाथपुरी छोड़ के वृंदावन जा रहे थे देखिए बहुत सुंदर चीज है यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में केवल दो दो महीना रहे अभी ये कार्तिक मास चल रहा है कुछ समय पहले अधिक मास था और काफी लोग वृंदावन जाना चाहते थे कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए कोविड की डर के मारे और बीमारी के या फिर बोले इस साल नहीं जाएंगे देखिए महाप्रभु वृंदावन केवल दो महीना रहे लेकिन वृंदावन के प्रति प्रेम इतना था इतना सेवा प्रेम इतना था कि साक्षात वृंदावन वृंदावन भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान है श्री गिरिराज वो गिरिराज जी स्वयं महाप्रभु के पास आ गए गिरिराज शिला के रूप में तो ये बहुत सुंदर तत्व देख रहे हैं अगर हम साधक की दृष्टि से देखें तो हम लोग वृंदावन जाके भी विचलित रहते हैं वृंदावन जाते हैं साथ में अपने साथ हम लोग अपना अपने पूरे भौतिक दुनिया को साथ में लेके जाते हैं लेकिन यहाँ पे महाप्रभु वृंदावन के बाहर आ गए लेकिन वृंदावन उनके पीछे पीछे चले आए गिरिराज के रूप में ये तत्वों को भी भक्तों को समझ जाना समझना चाहिए अच्छे से कि किस प्रकार से हमारे हृदय में वो वृंदावन उजागर करना है साधना के माध्यम से भगवान की कृपा के माध्यम से एनीवे anyway, वे तो ही चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को वृंदावन भेज रहे थे तो वो तीन साल जो गिरिराज जी का सेवा किया वो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया कि अभी आप इनकी सेवा कीजिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूछा ऐसा कौन सा उत्तम तरीका है जिससे हम गिरिराज जी की सबसे उत्तम तरीके से सेवा कर सकते हैं वट इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ वर्शिपिंग श्री गिरिराज तो जब ऐसा प्रश्न पूछा पूछा तो साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से बता रहे हैं कि आप ये गिरिराज की सेवा बहुत सरलता से कर सकते हैं। थोड़ा सा जल लेना है आपको और तुलसी के पत्तों के माध्यम से बोले तुलसी मंजरी यानी तुलसी के जो फूल हैं ऐसा आठ मंजरी लीजिए हर मंजरी के साथ दो पत्ते उनके जुड़े होने चाहिए और उस प्रकार से आठ मंजरियों के द्वारा प्रतिदिन उनकी सेवा कीजिए अभिषेक कीजिए बस गिरिराज जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे इसलिए इस जगत में अगर कुछ सबसे आसान तरीका है तो कृष्ण भक्ति और जो सबसे कठिन है वो भी कृष्ण भक्ति सबसे आसान है कृष्ण भक्ति और सबसे कठिन है कृष्ण भक्ति क्योंकि तो हम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं हम आसान चीज को करना ही नहीं चाहते हम हमेशा कॉम्प्लिकेट चीज ही करना चाहते आप सोचिए कि जब ही भक्ति विनोद महाप्रभु के प्रकट स्थान की खोज में लगे थे तो जिस समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे उनका जन्म हुआ था जन्म स्थान उसको देखा तो वहां पे उन्होंने बड़ा तुलसी का बगीचा देखा वो तुलसी का बगीचा देख के भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी ऐसे स्फूर्ति में आ गए वो जगन्नाथ दास बाबा जी जो पता नहीं कितना उम्र था उनका 130 140 समथिंग और वो चल भी नहीं पाते थे उनको वो एक टोकरी में लेके उनके सेवक घूमते थे लेकिन वो तुलसी के बगीचे को देख के ऐसी स्फूर्ति आ गई ऐसा उछल पड़े और नृत्य करने लगे सिंपल लाइफ भक्त को सिंपल थिंग्स मेक हैप्पी छोटी छोटी सरल चीजें भी भक्त को बहुत प्रसन्न करती हैं क्योंकि वो सरल चीजों में भी बहुत शक्ति होती है कितना आसान हो जाता है भक्त के लिए प्रसन्न होना नाचना छोटी बात पे स्फूर्ति होना इतना कितना सुंदर देखिए और इसी बात को स्मरण रखते हुए जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में रहे सन्यासी के रूप में तो बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु अपने रहने के स्थान से जगन्नाथपुरी मंदिर जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते या पुरी में कहीं भी जाते तो उनके साथ एक सेवक हमेशा तुलसी लेके चलते ऐसा भी एक सुंदर वर्णन आता है चैतन्य भागवत अंत्य खंड में आठवें अध्याय में ये वर्णन आता है कुछ श्लोक पढ़ के सुनाता हूं मैं तुलसी भक्ति बे मन दिया ये रूपे कई लेना लीला तुलसी लय एक शूद्र भांड दिव्य मृतिका पुरिया तुलसी देखे न सही घटारो पिया बोलते महाप्रभु प्रतिदिन जहां भी जाते एक मिट्टी के पात्र में तुलसी को साथ लेके जाते और जब भी वो तुलसी को नहीं देख पाते तुलसी के दर्शन नहीं ले पाते उनको ऐसा अनुभव होता जैसे जल बिना मछली बच्चों को हम सुनाते हैं मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ तो डर जाएगी बाहर निकालो तो मर जाएगी पानी में डालो तो तैर जाएगी तो मछली के बारे में हम बचपन से ही सुन रहे हैं और वही उपमा वही एनोलॉजी वही एग्जाम्पल हम भागवत में बार बार पढ़ते हैं। मछली जल की रानी बोले जब मछली जल के बिना तड़पती है ऐसी तड़प चैतन्य महाप्रभु को थी अगर तुलसी को नहीं देखा क्योंकि तुलसी के आश्रय से श्री कृष्ण प्राप्त होंगे प्रभु बोले मुशी तुलना देखी लाल भालना ही वासो ये न मत्स्य बिने जल मत्स्य बिने जल जल के बिना मछली जब चले संख्या नाम करिया ग्रहण तुलसी लई या अग्रे चले एक जन जब जब चैतन्य महाप्रभु संख्या पूर्वक नाम करते उनके सामने एक भक्त तुलसी लेके चलते थे और अगर कोई भी ये प्रश्न पूछे आपसे कि हमें संख्या पूर्वक नाम नहीं करना है उनको चैतन्य भागवत का अंत्य खंड का आठवां अध्याय खोल के दिखाइए अरे जब श्री कृष्ण भगवान साक्षात संख्या पूर्वक नाम कर रहे हैं और भक्ति करके दिखा रहे हैं तो हमें क्या समस्या है पथे चले न प्रभु तुलसी देखिया बहाए आनंद धारा सर्वांग बहाया और अंत में लिखा है शिक्षा गुरु नारायण ये कराया शिक्षा सही, सही जनपाय रक्षा बोल रहे हैं जो भी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में स्वीकार करता है उसको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण संरक्षण मिलता है फुल्ली प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड देखिए इस प्रोटेक्शन तत्व को भी समझना चाहिए जो का जो का तत्व है समझना है समझना बहुत जरूरी कभी कभी भक्तों के जीवन में संकट आएगा संकट का एक आभास होगा लगेगा संकट आ गया लेकिन कुछ विशेष हानि नहीं होगी विशेष रूप से हमारी चेतना को हानि नहीं होगी हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस को हानि नहीं होगी अगर व्यक्ति ने अच्छे से साधना करी है अच्छे से भक्ति तत्वों का पालन किया है संकट आएगा लगेगा डूब गए डूब 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 गए, डूब गए, गए गए, बट वो एक एक प्रकार का एक illusion होगा। शास्त्रों में कहीं वर्णन है जैसे एक बार ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज जब राजा बन गए और आगे जाके यक्षों से युद्ध कर रहे थे तो यक्षों ने कहीं सारे शक्तियों का प्रहार किया ध्रुव महाराज के ऊपर सब इल्यूजरी थी सब भ्रामिक मायावी शक्तियां थी लेकिन ध्रुव उसको देख के बहुत घबरा गए तो ऐसे ये भौतिक जगत बस टेस्ट करता है आप घबराएंगे तो नहीं हाउ मच यू कैन टॉलरेट डरना मत बस संकट आए डरो मत भगवान के भक्ति के तत्वों को पकड़ के रखो बस और कुछ नहीं वो संकट सिर्फ यही टेस्ट करने आया है कि आप भक्ति के तत्वों को पकड़ के रखते हैं या छोड़ देते हैं ऑल भगवान आपको हमको संकट देने में कोई रुचि नहीं रखते वो बोले आपके कर्मों का फल भी मैं जीरो कर दूंगा जो कर्मों के फल आपके पड़े हैं पुराने बुरे कर्मों के फल सब जीरो कर दूंगा वो चिंता मत करो लेकिन फिर भी ये संकट आएंगे जस्ट टू टेस्ट यू आपकी परीक्षा लेने के लिए तो ध्रुव महाराज के सामने ऐसी मायावी शक्तियों का प्रभाव था ध्रुव महाराज घबरा गए तभी सबने जो भक्त थे उन्होंने घोषणा किया अरे भगवान का नाम जप करो जैसे नाम जप शुरू किया उन्होंने इस सारी की सारी मायावी शक्तियां अप्रकट हो गई अदृश्य हो गई ध्रुव महाराज समझ गई ये भौतिक जगत केवल डराता है घबराहट पैदा करता है और इसलिए बोलते हैं हिंदी में जो डर गया सो मर गया तो इसलिए बोलते हैं जस्ट डू नॉट फियर डरना मत बस तो इस तत्व को वर्णन करते हुए यहां बता रहे हैं महाप्रभु की ये सिंपल सिंपल टीचिंग्स का आश्रय लो तो फिर कोई डरने की बात नहीं है पूर्ण सुरक्षा संरक्षण हमारी सेवा में है और इस तत्व का प्रदर्शन चैतन्य महाप्रभु अपने एग्जाम्पल से कर रहे हैं आपनी आस्वादी भक्ति करिला प्रकाश आपनी आस्वादी भक्ति करिला प्रकाश स्वयं आस्वादन करते हुए इस तत्व को दर्शा रहे हैं तो देखिए ऐसी तुलसी महारानी पे बहुत सारी कथाएं हैं बहुत अद्भुत अद्भुत, अद्भुत भक्तों की कथाएं हैं लेकिन अंत में मैं जस्ट कुछ मिनट लेते हुए तुलसी आरती के बारे में बोलना चाहूंगा जो हम सुबह तुलसी आरती करते हैं उसके शब्दों पे थोड़ा सा चिंतन करना चाहेंगे हम हर सुबह गाते हैं अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि कुछ भक्त जूम पे दिख रहे थे मॉर्निंग प्रोग्राम करते हुए तो हम बोलते हैं नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाबो अभिलाषी अभी इस वाक्य के बारे में इस जो सेकंड लाइन है जो इसके बारे में थोड़ा देखती है, देखिए है। एक तो यहाँ क्या मांग रहे हैं सेवा पाइब तो ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हुए गुरु की भूमिका निभा रहे हैं वो बोलते हैं कि ये जितने अष्टांग योगी हैं या अनेक प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग में लोग लगे हैं सबका एक लक्ष्य है भौतिक जगत की पीड़ा से मोक्ष प्राप्त करना लेकिन बोले हम लोग भक्तों को हर सुबह ट्रेनिंग देते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए हमें सेवा चाहिए मम जनमनी जनमनीश्वरे भवताद भक्तिर अह तुकी जन्म जन्मांतर तक चाहे मैं भौतिक जगत में रहूं मुझे सेवा मिलती रहनी चाहिए इसीलिए कुछ भक्त बहुत हो जाते हैं भगवत भगवत धाम जाना है। भगवत धाम जाना जाना है है बस आज मृत्यु हो जाए जैसे आपके लिए भगवत धाम गेट पड़े हैं। आज मृत्यु हो जाए तो हम भगवत धाम में प्रवेश करेंगे तो हमेशा मैं बोलता हूं आईना देखा है क्या भगवान एंट्री देंगे क्या पहले उसके लिए रेडी तो हो जाओ तो ये जो एक तरह से आतुर होना भी चाहिए भगवान के धाम जाने के लिए भगवान को देखने के लिए लेकिन उससे ज्यादा आतुरता होनी चाहिए सेवा करने के लिए तो भक्त शांत खुश रहेंगे हर परिस्थिति में खुश रहेंगे अंतिम समय तक बस कुछ सेवा में लगे रहे तो यहां बोल रहे हैं सेवा पाए अभिलाषी तो हर सुबह ये ट्रेनिंग भक्त को अपने मन को देना है कि हमें सेवा चाहिए इस जगत में हो यह लोग पर लोग कहीं भी हो और किनकी सेवा चाहिए राधा कृष्ण अभी इस तत्व को भी समझना चाहिए गौर गोविंद महाराज बताते हैं खुले तुलसी की महिमा देखिए कृष्ण भक्ति को कहीं रसों में किया जा सकता है कृष्ण भक्ति को आप दास्य रस में कर सकते हैं हनुमान जी की तरह साख्य रस में कर सकते हैं अर्जुन जी की तरह मित्र के रूप में वात्सल्य रस में कर सकते हैं कृष्ण भगवान के माता पिता के भाव में नंद महाराज माता यशोदा लेकिन फिर सबसे ऊपर रखा गया है माधुर्य रस जिस प्रकार की सेवा आत्मीयता भगवान के प्रति समर्पण गोपियों का है उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और यहां बता रहे हैं कि तुलसी के माध्यम से तुलसी की सेवा से हमें डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा में एंट्री मिल रही है प्रवेश मिल रहा है फिर बोलते हैं जे तो मार शरण लोय तार वांछ पूर्ण हो कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी वृंदावन वासी कृपया हमें वृंदावन वासी बना दीजिए और आगे जाके एक स्टेटमेंट आता है सेवा अधिकार दिए कोरो निज दासी तो किसी ने पूछा अरे ये दासी शब्द का दासी मतलब दासी तो स्त्रियों के लिए होता है क्या ये आरती स्त्रियों के लिए है हम तो दास हैं हम दासी नहीं हैं और यहां बोल रहे हैं हमको दासी बनाइए हमको स्त्री नहीं बनना तो किसी ने बोला ये भी क्या है ये तो वो बोलते हैं कि देखो हम सबको दासी ही बनना है क्योंकि ये जो पुरुषत्व भाव है ये कंट्रोलर का भाव है आई वॉन्ट टू कंट्रोल सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए सब कुछ मेरे निर्देशा अनुसार होना चाहिए तो ये पुरुषत्व का भाव बड़ा हानिकारक है भक्ति के लिए तो एक पुरुष है एक प्रकृति है एक एक भोग्य है एक एक इंजॉयर है और एक टू बी इंजॉयड है पुरुष और प्रकृति भगवान बताते हैं कि आचार्य बताते हैं हमको कि हमें पुरुष बनना नहीं है हमें प्रकृति ही बनना है टू बी इंजॉयड भगवान हमारा इंजॉय करें हम उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं इसीलिए यहाँ पे बोला है कोरो निज दासी हमें एक मेड सर्वेंट एक दासी बना दीजिए श्री राधा कृष्ण की नया ने हेरिबो सदा युगल रूप राशि तो कौन व्यक्ति है जो हर समय श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन करेगा श्री राधा कृष्ण के दर्शन लीला में शिवजी तत्पर हैं नारद मुनि तत्पर हैं वो लक्ष्मी जी है अभी तक तपस्या कर रही है अगर आप जाएंगे वृंदावन में एक बड़ा सुंदर स्थान है वन में वहां लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं और श्रीमती राधा रानी ने एक वहां पे एक स्थान है लक्ष्मी कूप और श्रीमती राधा रानी ने वहां पे वो स्थान बनवाया कि बेचारी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं कभी जल पीना होगा तो यहाँ आ जाएंगी वो ये नहीं कह रही कि लक्ष्मी जी को इनकी तपस्या का फल दो बोल रही, हैं, तपस्या रही है तपस्या कर रही है तपस्या करते करते थक जाएंगी कभी जल पीना होगा तो यहाँ तो सोच रहा हूं जब तपस्या करते हैं तो भगवान आके बोलते चलो आपकी इच्छा पूर्ण करें वो लक्ष्मी जी को बोल रहे हैं आप राशलीला में प्रवेश नहीं कर सकते आप श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का दर्शन नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आपके आप बहुत सारी पदवियों से और एक ऐश्वर्य से बहुत प्रभावित है भक्ति तो है सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मल तो इसलिए यहां बोल रहे हैं कि वो जो रासलीला में प्रवेश करना है श्री रा, कृष्ण राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का दर्शन करना है वो श्रीमती तुलसी देवी के प्रभाव से वो प्राप्त होता है तो देखिए ऐसी महिमा तुलसी महारानी की हम रोज सुबह गाते हैं तो हमें उन तत्व के ऊपर भी कम से कम साल में एक बार चिंतन करना चाहिए कि हम किनका आश्रय ले रहे हैं जिनके आश्रय से श्रीमती राधारानी को श्री कृष्ण मिले जिनके आश्रय से श्री अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रण दिया जिनके आश्रय से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने गिरिराज जी को प्रसन्न किया साथ ही साथ दूसरी तरफ देखते हैं जिनकी महिमा सुन के वो ब्रह्म राक्षस आज जो आस्तिक नाम के व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बने थे वो मुक्त हो गए ये वो तुलसी महारानी है जो भगवान के अश्रुओं के प्रभाव से अमृत में से प्रकट हुई ऐसी कई कथाएं हैं जिनका चर्चा हमने आज किया और इसके साथ ही हम आज की कथा को आज विराम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमें तुलसी महिमा करने का अवसर दिया थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा मुझे मालूम तो नहीं है आपकी कथा में रेगुलर आगे क्या क्या टॉपिक चलते हैं लेकिन हमको जो अच्छा लगा हमने वो टॉपिक चूज किया धन्यवाद श्री प्रभुपाद की जय समवेत भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो प्रभु जी का मैं थोड़ा सा अल्पसाप परिचय शुरुआत में दे नहीं पाया तो अभी मैं कुछ बताऊंगा और उसके बाद किसी भक्त को कुछ प्रश्न है तो प्रभु जी को पूछ सकते हैं तो श्रीमान गौरांग प्रिया प्रभु जो है बहुत ही वरिष्ठ भक्त है चौपाटी मंदिर के पिछले 25 साल से वो इस कौन संस्था से जुड़े हुए हैं और 2001 में उन्होंने फुल टाइम ब्रह्मचर्य आश्रम चौपटी में ज्वाइन किया था और वो खुद एम डॉक्टर की पढ़ाई उन्होंने की है उनका जो पूरा परिवार है उनके पिताजी भी डॉक्टर है उनके दादाजी भी डॉक्टर है जैसे तो उस परिवार में दिल्ली से प्रभु जी है तो चौपाटी मंदिर में वो ज्वाइन हुए उसके पश्चात उन्होंने कई सारी सेवाएं वहां पर की तो बारह साल चौपाटी मंदिर में उन्होंने बारह साल जो हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट है और जो मेडिकल केयर है उसमें भी उन्होंने सेवा किया है और उसके बाद बहुत सारे प्रचार का कार्य भी करते हैं अलग अलग कोर्सेस लेते हैं भक्तों भक्तों के लिए जैसे भक्ति शास्त्री है भक्ति शास्त्री उनका बहुत स्पेशल क्लासेस रहते हैं पुना के जो भक्त है बहुत तारीफ करते हैं अलग अलग वीडियो के साथ वो प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर करते हैं भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव टी टी सी आई -डी सी डी ओ टी केयर ऐसे अलग अलग कोर्सेस प्रभु जी देते हैं कई साल उन्होंने यूथ प्रीचर के रूप में भी उन्होंने सेवा सेवा किया है और प्रभु जी के आप सब में पता होगा कि उनके जो भक्ति शास्त्री के नोट्स है गीता के हम रेफर करते हैं उसको तो बहुत डिटेल स्टडी किया है प्रभु जी ने गीता के ऊपर और हर एक तात्पर्य में क्या क्या है श्लोकों का कनेक्शन कैसे है तो बड़ा ऐसा नोट्स बहुत ही उपयोगी हम उसका इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी ने बनाया है और मैंने पर्सनली प्रभु जी को जब चौपाटी मंदिर में देखा तो मैं आकर्षित हो गया उनके कीर्तन के कीर्तन में जब वो नृत्य करते हैं तो बहुत ही ऐसा लगता है कि एकदम चैतन्य महाप्रभु के समय ऐसा, होता है, ऐसा लगता है उसकी याद आती है का कीर्तन में नृत्य देखे तो उसे बहुत प्रेरणा पड़ता ऐसा नहीं लगता कि सृष्टि अंत होने वाली है ऐसा नहीं लगता <laughs> <laughs> सृष्टि अंत होने वाली है <laughs> <laughs> तो आज प्रोजी ने हमको इतना बहुत अच्छा समय प्रदान किया तो इस अभी तुलसी मात्मय के बारे में किसी का कुछ तुलसी के संबंध में आज के टॉपिक के संबंध में कुछ किसी का जिज्ञासा है तो अभी प्रोजी से कर सकते हैं तो इसका हरे कृष्णा प्रोजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा यस कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रोजी धन्यवाद धन्यवाद माता जी प्रभु जी मेरा प्रश्न नहीं है लेकिन मुझे सबको बताना है कि आप बारामती में हर साल uh, गौर पूर्णिमा के समय तीन दिन सुबह शाम कंटिन्यू लेक्चर देते हैं मैंने आपका लेक्चर पर्सनली सुना है बहुत ही सुंदर लेक्चर रहता है प्रभु जी का uh, गौर पूर्णिमा के समय पे हर साल आप बारामती में लेक्चर देते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद मैंने आपको बारामती में सुना है धन्यवाद प्रभु जी हरे कृष्णा

Or we are following many temples, or how it can be taken from the <laughs> <laughs> Thank you, John. Thank you.

कर सकते है। तो दुरुण 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 दुरुण। हरे कृष्णा प्रोजी के नेटवर्क में कुछ समस्या है शायद तो एक दो मिनट हम वेट करेंगे क्या